फरमाया कि वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तअलमून, और उससे डरो जिसने तुम्हारी मदद की उन चीज़ों से जो तुम्हें मालूम है। तदीदार मोहतरम, देखिए नबियों का जो तरीका होता है वो उनके तरीक़े में खौफ भी शामिल होती है, खौफ भी शामिल होता है और उम्मीद भी शामिल होती है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनसे कहा कि तुम डरो अल्लाह ताला से, ये खौफ का अंसर था। अब जो अल्लाह ताला की नेमतें आप बयान फरमा रहे हैं तो ये नेमतें जो है ये उम्मीद के लिए होती हैं, तो इसको उम्मीद और रजा कहते हैं। और इंसान तीन किस्म के हैं, बाज़ वो हैं कि जिनमें उम्मीद गालिब है, बाज़ वो है कि जिनमें खौफ गालिब है, और बाज़ वो है जिनमें दोनों बातें पाई जाती हैं। तो अब कुरान जो कि हर इंसान के लिए है, हर इंसान के लिए दावत देता है, तो इसमें दोनों चीज़ें बयान कर दी गई है, खौफ भी दिलाया गया और फिर अल्लाह के नेमतें भी याद कराई गई। और आप फरमाने का डरो उस ज़ात से कि जिसने तुम्हें ऐसी चीज़ों से मदद फरमाई है जो तुम्हें मालूम है। अब वो क्या क्या चीज़ें, फरमाया गया अमद्दकुम बिअनआमिम व बनीना, तुम्हारी मदद की चौपायों और बेटों के ज़रिए, यानी तुम्हें मवेशी दिए अल्लाह तबारक व तआला ने और तुम्हें औलादे अता फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, तो ये अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। अच्छा, लोग समझ रहे थे शायद ये नेचुरल प्रोसेस है जो हमारा चल रहा है, तो उसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं है, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, लेकिन ये सारे काम अल्लाह ताला के हैं। जिसे चाहता है वो रोक लेता है और जिसके लिए चाहता है वो जारी कर देता है। वह जन्नाति व अयून, और तुम्हें बागात दिए और चश्मों से, चश्मों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाई, क्योंकि बागात होते हैं ये बनते पानी के ज़रिए, और पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। और ये जो पानी हमारे पास आता है तो हम तो समझ रहे हैं शायद दरियाओं के ज़रिए, नहरों के ज़रिए ये हम तक पहुंच जाता है, लेकिन बात यह है कि ये अल्लाह ताला की अजीम अता है। ये पानी बारिश से बरसे या दरिया के ज़रिए आए या नहर के ज़रिए आए या झील के ज़रिए आए, ये इत्तफाकी नहीं आ रहा, ये सारे के सारे मुकर्रर करदा एक निज़ाम के तहत है। बल्कि मेराज की जो रिवायतें आती हैं उन रिवायतों में आप अलैहिस्सलाम ने आसमानों पे एक शख्स को देखा कि वो पानी के मशकीज़े भर रहा है और उनको तोल रहा, नाप रहा, नापने के बाद कभी इस तरफ फेंकता, कभी उधर डालता, कभी उधर डालता, कभी उधर डालता। तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिकाइल अलैहिस्सलाम है और इनका काम है मखलूक को पानी पहुँचाना, तो जिसके लिए जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया उतना तो पानी उन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये सारा मुकर्रर करदा निज़ाम है अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि तुम्हें मेरे बागात भी दिए हैं, तुम्हें पानी के चश्मे भी दिए हैं। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मुझे तुम पर डर है एक बड़े दिन के अज़ाब का। तो अब ये आपने पूरी पूरी वसीयत की, नेमतें भी याद दिलाई हैं, अल्लाह का अज़ाब भी याद दिलाया, सब कुछ उनको समझाया। लेकिन इंसान जब अपनी मस्तियों में होता है और दुनिया की नेमतें उसके पास हो रही होती हैं तो फिर गौर करने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं खुशनसीब जो नेमतों की मौजूदगी में होश के नाखून लेते हैं और हिदायत की तरफ आ जाते हैं। अक्सर वो लोग होते हैं जब तक नेमतें चल रही होती है तो वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो फरमाया कि खालू सवाउन अलैना औ अस्त अम लम तकुन मिनल वाइज़ीन। अब जवाब में क्या बोले, बोले बराबर है, आप हमें नसीहत करें या नसीहत ना करें। बोले हमें आपकी नसीहत की हाजत नहीं है माज़ल्ला। ये उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया।
मैं बताया ना कि ये मस्तियाँ चढ़ी होती है, और जब मस्ती में होते हैं कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, और आपके सामने ये सारे के सारे मामलात होते रहते हैं। खुद अगर आप मुल्क की सूरत हाल पे भी देखें तो वो लोग जब कल ताकत में थे और जब उन्हें कहा जा रहा था कि इंसाफ से काम लो, जुल्म ज्यादती मत करो, तुम मानने के लिए तैयार नहीं थे, किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये ताकत हमारे हाथ में, हम सब कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने नहते लोगों पे गोलियां चलाई, उनको शहीद किया। वो लोग जो 70-70 साल से मदरसों में पढ़ाते रहे, उनको जेलों में डाल दिया, उनके ऐसा बुरा हाल किया कि उनको बेचारों को शहीद कर दिया वहाँ पे। उस वक्त उनको कोई अफसोस नहीं हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने रातों रातों फिर उनकी हुकूमत छीन ली, उनकी हुकूमत के तख्ते को गिरा दिया, रातों को अदालत लग गई और फैसले हो गए, गद्दी ख़त्म। आज खुद धक्के खा रहे हैं, दुनिया के सामने मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। उस वक्त उनसे कहा जा रहा था कि नहीं नहीं जी, नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं हमें, हमें पता है जी, हम बड़े समझदार हैं। तो यही होता फिर अंजाम। तो वो बोले, आप हमें नसीहत करें या ना करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता,